स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से दोस्तों एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों यूट्यूब पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वैसे दोस्तों आपको थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं, और वो बहुत दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशनल लगने वाला है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक भी चीज़ को मिस मत करिएगा। चलो दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाना। तो गाइस इसके लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब, और पिक्सल लैब को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इमेज साइज का बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको कस्टम पर यहाँ पर जाकर आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब जो आपका ये इमेज साइज हो गया दोस्तों, ये हो गया यहाँ पर आपका यूट्यूब थंबनेल वाला। अब इसको यहाँ पर आपको सिंपली से डिलीट कर देना है। यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपनी जो भी आप फोटो गैलरी में से ऐड करना चाहे वो यहाँ पर ऐड करनी है। पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लेयर दिख रही होगी, इस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सेलेक्ट करके कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो कलर है वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जिस पर कि आप अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे पेपर PNG के दोस्तों, उनको आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको आपको सिंपली से प्लस कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर सभी को डाल लेता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिंपली से इसको डाल लिया है, आपको भी कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर थोड़ा रोटेट कर लेना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको इसको रोटेट कर और यहाँ पर आपको इस प्रकार से दोस्तों इसको यहाँ पर सेट कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सेट कर लेना है। अब ये कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपको दिखने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी PNG ऐड करनी है, जो कि आपकी फ़ोटो की PNG है, जो कि आप इसके अंदर अपनी लगाना चाहते हैं। तो मैं सिंपली से अपनी PNG को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने PNG ऐड कर ली है। अब आपको इसको यहाँ पर सिंपली से बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है, जिससे जैसे कि आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पर बन रहा है। अब आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आपको वो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करने हैं, सिंपली से ए वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा थंबनेल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको यहाँ पर ले आना है, और इसके जो साइज़ है दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ए बी फ़ॉन्ट का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये फ़ॉन्ट इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, थोड़े बहुत टेक्स्ट और मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इनको आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका भी यहाँ पर मैं दोस्तों फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका भी फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब मैं इनको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अपने मुताबिक, आपको भी यहाँ पर इसको अपने मुताबिक यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं यहाँ पर कोने के अंदर यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर देता हूँ, जिससे कि ये अच्छा लग सके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके बैकग्राउंड कलर देना चाहें आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, या फिर इनका जो आपको इसका जो कलर है दोस्तों वो यहाँ पर चेंज कर लेना। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहें वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इसका येलो कलर देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर येलो कलर इसका हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसका अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, और इसको आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट पैडिंग दिखेगा, इसको भी आपको यहाँ पर ऑन कर देना है, और राइट पैडिंग को भी आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर चले आना है, और इसको यहाँ पर टू बैक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी जो
ये आपकी जो PNG वाली फ़ोटो थी उसके यहाँ पर पीछे हो गया है। और ऐसा करने के बाद दोस्तों ये आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ और भी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा YouTube PNG का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर YouTube वाली PNG भी दोस्तों यहाँ पर ऐड कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर सिंपली से टू बैक करके तो, और दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी लेयर को दोस्तों यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ताकि जब आप एडिटिंग करें तो आपको आसानी बनी रहे। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद अब आपको सिंपली से जो YouTube वाला लोगो है इसको यहाँ पर आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी शैडो दे देनी है जिससे कि ये थोड़ा बहुत और अच्छा यहाँ पर लग सके। और अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसको भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका थंबनेल है वो आसानी से यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर आपको इसके टेम्पलेट चाहिए तो मैं टेलीग्राम के अंदर आपको सभी दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मैंने इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना।